बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ये सीख कबाब बनाए हैं जो कि बहुत ही मज़े के बने हैं। चलें शुरू करते हैं। ये मैंने दो बड़े प्याज ले लिए हैं, इनको मैं काट लेती हूँ। इसके अलावा ये देखिए मेरे पास थोड़ा सा लहसुन है, अदरक है, धनिया है, पुदीना है, सब्ज़ मिर्चे हैं और एक पापरिका मैंने ले ली है। ये रेड वेल पापरिका ली है और सब्ज़ मिर्चें भी ये तेज़ वाली हैं। इनको मैं बहुत ही बारीक चॉप कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने इन्हें बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा ये मेरे पास 1 kg बीफ का कीमा है। जो चीज़ें मैंने चॉप की हैं वो इसमें शामिल करके बाकी मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। ये मैंने एक अंडा ले लिया है और साथ ही इसमें मैं आधी प्याली मेरे पास खुसखुस है वो मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास ये नहीं तो आप इसकी जगह आधी प्याली सूजी या फिर ब्रेड क्रम्स वो डाल दें। ये दलिया की एक शक्ल होती है जो कि तुर्किश मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाती है। ये अपने अंदर प्याज और पापरिका का जो पानी है वो जज़ब कर लेगा और कबाब जो हैं वो सीख पे लगाने में बहुत ही अच्छे रहेंगे। बहुत अच्छे से सीख पे लग जाते हैं फिर कबाब। 2 teaspoon इसमें मैं धनिया पाउडर वो डाल दूँगी। ये मैंने क्रश वाला धनिया लिया है। वन टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला वो शामिल करूँगी। टू टेबलस्पून इसमें मैं क्रश चिली वो डाल दूंगी। मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें मिर्ची और बढ़ा दें। इसके अलावा 2 tablespoons इसमें मैं नमक की शामिल करूंगी। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। इसके अलावा 1 teaspoon ज़ीरा पाउडर और 1 teaspoon ही इसमें मैं साबुत ज़ीरा वो डालूंगी। जब कबाब को ग्रिल करते हैं तो साबुत ज़ीरे का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है वो मैं डाल दूंगी। और 1 tablespoon इसमें मैं रेड चिली पाउडर वो डालूंगी। अगर आपके पास कीमा बहुत मोटा है तो आप मशीन में 2 से 3 दफ़ा उसे निकाल लें, या अगर आपके पास चॉपर है तो उसे बारीक चॉप कर लें। और अगर आपके पास कीमा मशीन से पहले ही बहुत बारीक सा है तो आप एज इट ऐसे ही चीज़ें डाल के तो उसको अच्छा सा मिक्स कर लें। मैंने ये जो बीफ का कीमा लिया है ये बहुत ही बारीक है, इसे मैं ऐसे ही मिक्स कर लूँगी। 2 tablespoon इसमें मैं ऑलिव ऑयल वो शामिल करूँगी। ईद पे ये बहुत ही स्पेशल कबाब बनते हैं, हर घर की जीनत बनते हैं ये कबाब। आप इनको ज़रूर बनाइएगा, आपको ये बहुत अच्छे लगेंगे। आप इन्हें सीख पे भी लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो इन्हें गोल कबाब वो भी बना लें। दोनों ही तरह से ये मसाला आप लगाइए, बहुत ही टेस्टी कबाब बनेंगे। मेरे बच्चों को ये कबाब इतने पसंद हैं कि इस दफ़ा सीख पे उन्होंने ही लगा के इसकी ग्रिल की थी। ये देखिए मसाला हमारा कितना अच्छा सा मिक्स हो गया है। कीमे को अब हम सीख पे लगा लेते हैं। मसाला लगाने के बाद आप इसे ओवरनाइट रखें, बहुत ही अच्छा मसाला तैयार होगा। ये देखिए नेक्स्ट डे हम इसके ग्रिल कर लेते हैं। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।